सुपरमैन डेंजरस डिस्ट्रॉयर। सिक्सर किंग आंद्रे रसल एक कह सकते हैं कि एक मेन प्लेयर मींस एक मेन हिटर बन गए केकेआर के लिए, जो कि लोग यही सोचते हैं कि जी आंद्रे रसल अगर क्रीज पे हैं तो 20 बॉल में 50 रन 60 रन बहुत इजी है। उनकी एक कह सकते हो कि आप आइडेंटिटी बन गई। Especially Batten last year, never out of it, because he could come and change the game within one over, two overs. So I think having him on your team, especially chasing, you're always in for a fight. मेरे को ऐसा लगता है ड्रे के साथ बैटिंग करना सबसे आसान है, क्योंकि एक तो रन रेट की आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं, वो अपने आप सब मैनेज करेगा। दूसरा, जब दूसरी टीम अटैक करने को देखती है तो वो रसल को आउट करने को देखती है, आपको आउट करने को नहीं देखती, ये फैक्ट है। तो जब मेरे को आउट नहीं करना चाहती तो उसके बीच में मैं अपने से हल्के से एक छक्का मार के एक चौका मार के वो एवरेज मेंटेन कर जाता हूँ। रसल तो मारता ही है। देखिए, मैं 2018 में आया था पहले, तो मतलब बहुत नाम सुना था एंड्रे रसल का, मतलब बड़े बड़े लंबे छक्के मारते, तो कभी मैं डरता था जाने के उनके बाद, क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो मैं बचता था इन लोगों से। लेकिन वो काफ़ी अच्छा नेचर है एंड्रे रसल का, मतलब काफ़ी मतलब बहुत जल्दी यूज हो जाते हैं, मतलब इंसान के साथ बातचीत करना चालू कर देते हैं, उनकी लाइफ के बारे में पूछना चालू कर देते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ है उनके अंदर। क्रिकेट की बात आएगी, लॉजिकली बात करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, अपने जोन में रहने वाला बंदा है। He's someone who's a team guy, someone who enjoys his cricket, enjoys having fun, and someone who's it's good being around. रिंकू और उसको 15 मिनट के लिए कहीं बिठा दो, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते लेकिन दोनों 15 मिनट हंस सकते हैं, तो ये इस टाइप का आदमी है, वो उसको सिर्फ हंसने से मतलब है। Stay updated with all things Knight Riders only on the Knight Club app. Download now.